और गिवन है हमें कि मॉड ऑफ जेड जो है वो वन के इक्वल है ठीक है यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड वन है तो जेड को हम मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई इस फॉर्म में जेड को हमने कंसिडर कर लिया तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा ठीक है और ये हमें वन के इक्वल गिवन है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास वन है तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही रहने वाला है तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास वन के इक्वल आ गई ठीक है अब हमें कहा गया है कि z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन ये प्योरली इमेजनरी है ये हमें प्रूव करना है ठीक है तो ये प्योरली इमेजनरी है ये हम प्रूव करेंगे तो तो z z z क्या है z है x plus Iota y, तो z -1 बन जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई माइनस वन और डिवाइड में आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस वन ठीक है अब वन जो है वो तो रियल नंबर है तो उसको हम रियल नंबर के साथ ग्रुप करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन और प्लस में है आयोटा वाई और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन और प्लस में आयोटा वाई इस तरीके से आ गया ठीक है अब हम ये जो पूरा आएगा इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा इसका कॉन्जुगेट होगा एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई ये इसका कॉन्जुगेट होगा ठीक है तो इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर देंगे तो ये एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई नीचे भी आ गया ठीक है तो ये हमने कर दिया अब ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन फिर प्लस में है आयोटा वाई और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस वन माइनस में आयोटा वाई से और डिवाइड में क्या है हमारे पास डिवाइड में बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्योंकि तो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो पहले आएगा ए स्क्वायर फिर माइनस में आएगा बी स्क्वायर तो ए तो है एक्स प्लस वन तो उसका होल स्क्वायर आ गया और माइनस में है आयोटा वाई तो आयोटा वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे हम ठीक है तो ये आ गया हमारे पास अब ऊपर हम पहले रियल टर्म्स देखते हैं तो जब हम x माइनस वन को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रियल टर्म आएगी और जब आयोटा वाई को माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रियल टर्म आएगी तो रियल टर्म हमारे पास आएगी x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और माइनस में आयोटा वाई इंटू आयोटा वाई तो ये आयोटा वाई का स्क्वायर बन जाएगा ये तो रियल टर्म आ गई फिर हम कॉम्प्लेक्स टर्म देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स टर्म में हमें आयोटा की टर्म चाहिए तो जब x माइनस वन को हम माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टर्म आएगी और जब x प्लस वन को हम आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक कॉम्प्लेक्स टर्म आएगी तो कॉम्प्लेक्स टर्म में हमारे पास बन जाएगा आयोटा टाइम्स एक्स प्लस वन इंटू वाई और माइनस में आएगा एक्स माइनस वन इंटू वाई ये आ जाएगी हमारे पास कॉम्प्लेक्स टर्म और डिवाइड में क्या है डिवाइड में है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर

और वाई का स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर तो ये वाई स्क्वायर आ गया तो ये तो रियल टर्म है हमारे पास और जो कॉम्प्लेक्स टर्म है वो है आयोटा टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई और माइनस में एक्स वाई प्लस वाई ये है तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल हो गया ठीक है तो और डिनोमिनेटर में क्या है वो है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन और ऊपर हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है वन के इक्वल तो जब हम जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से हम वन माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन जीरो के इक्वल आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन तो ये पूरी टर्म जो है ये जीरो बन गई तो ये जीरो बन गई फिर प्लस में है टू टाइम्स वाई तो टू वाई आयोटा आ गया और डिवाइड में है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर

तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट जो वो तो जीरो होगा क्योंकि वन रियल नंबर है और एक्स रियल नंबर है तो हम रियल नंबर्स को कंपेयर करेंगे और कॉम्प्लेक्स टर्म को तो यहाँ पे हम आयोटा टाइम जीरो लिख देते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स टर्म जीरो यहाँ पे तो वाई की वैल्यू तो हो गई जीरो और एक्स की वैल्यू हो गई वन हमारे पास ठीक है वाई जीरो हो गया और एक्स वन हो गया तो जब हम इस जेड की वैल्यू वन पुट करेंगे इसमें तो ये पूरा जो है ये बन जाएगा वन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन ठीक है वन माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस वन इस तरीके से आएगा तो 1 -1 तो 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 हो गया तो ये पूरी आ गई और जीरो क्या होता है? एक रियल ठीक है? जीरो रियल होता है 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 एक ठीक हम बोलेंगे कि जब होगा तब हमारे पास Z -1 by Z plus 1 एक रियल आएगा ठीक है रियल तो जब जेड हमारे पास वन होगा तब जेड माइनस वन डिवाइड बाई जेड प्लसली रियल नंबर आएगा तो ये हमारा आंसर हो गया थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर